खुराना साहब तो इतना मानते हैं मुझे, मुझसे पूछे बगैर एक ग्लास पानी नहीं पीते। मतलब अगर तुम्हें वो दो दिन ना मिले तो बेचारे प्यासे ही मर जाएं। Dad, you're too much. इतना मानते हैं आपको? इतना मानते हैं? भाई मैं उनका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हूँ। यानी कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उन्हें इस कंधे पर सर रखकर रोते हैं। भाई कंधे पर से हाथ हटा लो, ये कंधा हमने खुराना साहब के लिए रिजर्व रखा हुआ है। Excuse me. कौन है? Yes? खुराना साहब आप? What a pleasant surprise. Pleasure is all mine. ये आपके नेबर है तेजपाल जी। Hi. उनकी बेटी है सोनम। नमस्ते। प्लीज सर आप चल के फ्रेश होइए ना सर, मैं जरा रेडी होकर मार खाने, मेरा मतलब मैं मिलने आता हूँ। हाँ करते हैं। एक्सक्यूज अस। एक्सक्यूज मी सर। इन्हें तो मैं जानता हूँ, तुम कौन और मेरे घर को अपना घर बना के क्या कर रहे हो? सर मेरा नाम राज मल्होत्रा है, पेशे से वकील हूँ। तेजपाल जी की बेटी से मुझे प्यार हो गया, उन पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए मेरी मत मारी गई, मैं आपके फार्म हाउस पे आ गया। अच्छा। मेरे प्यार की नैया पार होने वाली थी कि उसमें छेद करने के लिए आप आ गए सर, और अब किनारे पे मेरी नाव डूबने वाली है। अरे भाई ये क्लाइंट और वकील के आपस में ही बात करते रहेंगे हा? नहीं सर, मैं तो इनसे पूछ रहा था कि भाई जिस काम के लिए आए हो वो किया भी या फिर यहाँ वहाँ के हाँकने में लगे हुए। सर वेरी ब्राइट एंड ब्रिलियंट यंग मैन, ये जरूर एक ना एक दिन बहुत तरक्की करेगा। हाँ, आई एग्री विद यू। थैंक यू सर। अच्छा डैडी अब चलें, अब तो इनके क्लाइंट आ गए हैं, ये बहुत बिजी हो जाएंगे, पता नहीं फिर कब हमारे लिए वक्त निकाल पाए। अरे ऐसा मत कहिए प्लीज, अगर वक्त साथ दिया तो बचा वक्त आप ही की सेवा में कटेगा। अच्छा सर शाम की चाय आपके यहाँ पक्की हो जाती है फिर? जरूर बेटा, हम इंतजार करेंगे। ओके आइए। ओके बाय बाय। ओके सर। ओके 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 सर। अरे खुराना साहब आप धर्मात्मा हो, परमात्मा हो, विश्वात्मा हो, जब भी मेरी रोमांटिक स्टोरी लिखी जाएगी उसमें मसीहा का रोल आप ही का होगा। बस बस यार, अब मेरे सामने ये मक्खन की दुकान मत खोलो, हमने भी जवानी में से बहुत से खेल खेले हैं। हाँ बस उन दिनों की याद में आज तुम्हारी मदद की है, जाओ यार खुश रहो। अरे खुराना साहब थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत तेज़ है भाई, थोड़ी सी देर में पैर से लेके गले तक पहुंच गए। एक दिन बहुत आगे जाओगे दोस्त। सर आई रियली वॉन्ट टू बी अ वेरी बिग, नॉट एज बिग एज यू, बट आई रियली वॉन्ट टू बी अ बिग मैन सर, एंड फॉर दैट आई वॉन्ट योर सपोर्ट। सपोर्ट? अबे ये होंडा है, टैक्सी नहीं है, तू इसमें क्या कर रहा है? अरे राज ये तेजपाल साहब ने तेरी गाड़ी भेजी है, सोनम की शादी के बारे में डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। क्या बात करता है? किसी टेलर को जानता है? हाँ, माधव टेलर है ना। हाँ, कोई सूट उठा तेरे पास? पहला कोट है ना। अबे इस सूट के साथ तू मेरी शादी में सूट नहीं करेगा, कोई रंगीन सूट पहन के आना। राज राज अबे मैं राज चलते लोगों के मुंह नहीं लगता, मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया अभी। राज तू है ना एकदम यार मास्टर आदमी है। मेरे फार्म हाउस में यू नो दो तीन किस्म के आलू उगते हैं, अगर वहां से राज बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। सर आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ वो आदर्श ने अपने कजन से सोनम की शादी की बात चलाई है, इसलिए ये लोग चले आए। उस दिन तुमने सोनम के लिए भगवान से दूल्हा मांगा था, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लड़के से मिलो, ये सब तुम्हारी दुआओं की वजह से हुआ है। आदर्श बेटा बेटा बैठाओ जरा, राज को मेहमानों से मिलवा दो बेटा जरा। बेटे नमस्ते राज साहब, आइए। वेरी गुड चैपीज, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी राज, सही वक्त पर आए हो। तुम्हारी इस सिचुएशन पर राज कपूर साहब ने एक गाना लिखा है, भौरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार, ये रहा राजकुमार। आइए नरेन, ये है राज, छोटे मोटे वकील है, एफिडेविट बनाते हैं, अगर तुम्हें कोई काम उधर से करवा लेना, मैं चाहता हूं कि हमारे लोग भी 20-50 कम है। क्यों राज साहब, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाय हाय, तो कैसा लगा मेरा सोनू? सुंदर या अति 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 सुंदर? जरा लेवल पे आ जाएंगे आप? जी जरूर जी। अच्छा लड़का, बढ़िया, नाक जरा सीधी नहीं है उसकी मेरी तरह, बढ़िया है। अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छी है। अच्छी नाक, बाल भी सही होते ना तो आदमी लगता बेचारा। हाँ। बहुत थोड़े कम है बाल। हाँ, थोड़े से बहुत ज्यादा। कद ज्यादा कम नहीं, कम से कम मेरे जितना तो होना चाहिए था ना, कम है। तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा? नहीं पता नहीं क्या। एक दर्जन नुक्स निकाल कर कहते हो कि मुझे सोनू अच्छा लगा, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा?
तुम चाहते हो कि मेरी शादी उसके साथ ना हो, तुम चाहते हो कि मैं उसे रिजेक्ट करके तुमसे शादी करूं। टूटते हुए तारे को देखकर मन्नत मांग सकते हो, कल्पनाएं कर सकते हो, आईने भेज सकते हो, दुनिया भर की बकवास कर सकते हो, लेकिन मुझसे दो सेंटेंस नहीं बोल सकते। I love you, Sona. I want to marry you. नहीं, उन सब के सामने तुम जाकर नमस्ते, नमस्ते जी, कैसे हैं आप करते रह गए, ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ऐसा करने से मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। जानू, नहीं ना सोना, नहीं ना सोना बाबा, नहीं नहीं नहीं, I love you, I'm sorry, I love you too, I love you। इसमें सारी गलती तुम्हारी भी तो है। कैसे? तुम भी अपना आईना लेकर बैठ गई, इतना भी नहीं कि अपने गाल के ऊपर तिल लगाकर साबित कर दो, इशारा कर दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वो तुम्हारे डैडी है, वो मेरे गुरु है, उनको मैं कैसे कह दूं कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं? स्टूपिड है, बात करती है। वो तुम्हारे गुरु हैं, मेरे तो पापा है ना, मैं अपने पापा से तो बात कर सकता। अरे तो करो ना यार। सोना, मेरी बेबी, जानू, I'm sorry, I love you ना बाबा। क्या राज तुम्हें पसंद है? अरे पहले बता दिया होता राज के लिए तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बेटे एक बार उससे तो पूछ लो उसको रिश्ता मंजूर है कि नहीं। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। राज को भी रिश्ता मंजूर है, तुमको भी मंजूर है। अरे कमाल करते हो, लड़का घर में बैठा हो, तुम बाहर ढूंढ रहे हो। चलो सबको मीठा खिलाओ, मुंह मीठा कराओ, और मैं कर लूंगा। थैंक यू, थैंक यू। मुंह में खिलाओ, शाबाश, लाओ बेटा लाओ, जीते रहो। दोबारा को मैं भी इस घर का दामाद बन गया, और मैं जानता हूँ कि तुमको कोई खास खुशी नहीं हो रही होगी, मगर तुम्हारी सिचुएशन के ऊपर मुझे भी राज कपूर जी का एक और अच्छा गाना याद आ रहा है, फिल्म मेरा नाम जोकर का। कहीं आग ना लग जाए, कहीं आग ना लग जाए। स्माइल प्लीज। प्रकाश साहब। यस सर। ये जो आप फोटो खींच रहे हैं इसके पैसे कौन देगा? आप ही देंगे सर। तो फिर मेहमानों की फोटो खींचते रहेंगे, फैमिली वालों की फोटो नहीं खींचेंगे? मेरा मतलब एक बात है, नहीं नहीं, मतलब फैमिली वालों एक फोटो हो जाए फैमिली वालों की। आइए आइए, सॉरी सॉरी। स्माइल स्माइल प्लीज। देशपाल परिवार आज आज कंप्लीट हो गया। एक बार और लो बेटा, इधर देखो ना। थैंक यू, थैंक यू। देखा प्यारे मोहन, हम जैसे घटिया लोग कैसे अपने सपने साकार कर लेते। राज, तू वाकई में मास्टर आदमी है यार। तूने जो सोचा वो कर दिखाया, आदर्श की तरह तेरी गेम भी सक्सेसफुल हो गई। यार तू कहाँ आदर्श की गेम को मेरी गेम से मिला रहा है? उसकी वाइफ को देख, ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बरगद का पेड़ खड़ा है। क्यों हंसा रहा? आदर्श ने शादी नहीं की है, समझौता एक्सप्रेस का टिकट कटा है। और उनको देखो, ब्लाइंड खेला मगर विश्व सुंदरी टाइप की लड़की अपनी जेब में आ गई। शुक्रिया। शाबाश शाबाश। यार तेरे मुझ पे बहुत सारा एहसान है, मुझे तुझे एक फ्री में सजेशन देनी। दे रहा यार, दे प्लीज। यार देखो, जिंदगी में सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपने देखते हैं, इसलिए देखो। और उस सड़ी हुई चाल में रहकर सपने ठीक से नहीं आते हो ना, तो मेरे बंगले में आकर सोना शुरू कर दो, क्योंकि नीली छतरी वाले ने हमारे सर पर ऐसी छतरी खोल दी है कि तेरा दोस्त राज है ना, जिंदगी में राज करेगा। राज, तू वाकई में मास्टर। क्या कर रहा है यार, पार्टी चल रही है, तू बार बार गाल के ऊपर उंगली लगा रहा है। यार आराम से एंजॉय करना, आजा आजा, हंसता रहता है तू। Hi baby, आप सोए नहीं? मैं सोया होता तो जागता ना, सोया नहीं सारी रात। क्यों नहीं सोया मेरा बच्चा? इसलिए कि कल तक जो सपने देखता था आज सारे हकीकत में बदल गए। सोना बेबी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। देखो सुबह सुबह रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, तो यू हैव टू गो गेट रेडी। ओके, जाओ जा। चलो मैं भी चलकर अपनी प्रॉपर्टी का मुआयना तो कर लूं, देखो तो सही कि एक रात में किन किन चीजों का मालिक बन गया हूं मैं। ये जूस का ले जा रहा भाई? आदर्श साहब के कमरे में। आदर्श, कल से जो नाश्ता है ना, पहले मेरे कमरे में आना चाहिए। जी जी जी। ठाट है ना साहब, यहाँ तो बस्ती के अंदर पानी कम चाय पीते थे, और आज ऑरेंज जूस भी फीका लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया एक रात में। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे बाबूजी। हाँ मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बेटी की बैसाखी बना के मैं आपके घर में घुस जाऊंगा, घुसाया ना, तीन मर्द की जबान। हाँ बताइए, बंगले कितने हैं आपके पास? चार?
उसमें से तीन तो मैंने ले लिए, चलिए एक आपको दे दिया। अब बचा आपका ऑफिस, तो मेरे हनीमून से लौटते ही अपना ऑफिस खाली कर देना, इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है। हाँ, आपके सारे क्लाइंट मैं संभाल लूंगा। आप बुजुर्ग हो गए भाई, अब छोड़िए अपनी जगह, वरना आप जैसे बुजुर्ग तो हम जैसे नौजवानों को तो कुत्ता बना के देवड़ी पे बैठा दे। क्या बात करते, गाड़ियां काफी खड़ी कर रखी है मैदान में इन्होंने अपने, जवानी में काफी रोमांटिक रहे होंगे हमारे ससुर जी। ये गाड़ी तो मैं अपने ऑफिस जाने के लिए रख लूंगा, ये ले जाऊंगा मैं कभी घूमने फिरने के लिए अपने सोना डार्लिंग के साथ निकला करूंगा इसमें। अच्छी है काफी। हाँ, ये गाड़ी मैं अपनी सोना को दे दूंगा, और वो मैं दे दूंगा नौकरों को, सब्जियां वब्जियां लाया करेंगे उसमें जाके इसमें बिचारे। और बाकी बचा वो आदर्श, उस साले को तो मैं ऑटो में भेजूंगा। हाँ, क्या बात है, तैयारियां हो रही है हनीमून पर चलने की, ये इतने सारे कपड़े लेकर क्यों चल रही है? नहीं बाबा, हम हनीमून नहीं, अपने घर जा रहे हैं, बस्ती में। अच्छा, बस्ती में चल रही हो? तो मस्ती में रहोगी? तुम मस्ती में क्यों रहोगी, मेरा मतलब है कि तुम वहाँ कैसे रह पाओगी? जैसे तुम रहते हो, और वैसे भी शादी के बाद लड़की का घर उसके पति के घर में होता है। मैं जानती हूँ ना तुम्हें तुम्हारी इज्जत कितनी प्यारी है, तुम थोड़ी ना जीजाजी की तरह यहाँ घर जमाई बन के रहोगे, तुम तो यहाँ घर के दामाद बन के रहोगे ना। Now be a good boy and get ready, okay? जानू, बेबी, सोना, समझा करो ना। देखो, गुलिस्तान का फूल जो होता है ना, वो रेगिस्तान में कभी पनप नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग यही कहेंगे ना कि मैं घर जमाई बन गया। सुन लूंगा, सह लूंगा मैं, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे प्यार के खातिर। ए, उस दिन टूटते हुए तारे को देखकर मैंने भीख मन्नत मांगी थी। मैंने मांगा था कि तुम मुझे पति के रूप में मिलो, क्योंकि तुम में हर वो बात है जो एक लड़की अपने पति में ढूंढती है, जिम्मेदारी का एहसास, सच्चाई, ईमानदारी, सब कुछ। बस भगवान ने मेरी सुन ली, और इसलिए जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगी, जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहूंगी, लेकिन तुम्हारे सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करूंगी, ठीक है? Oh, come on, smile, baby. I have to pack. Love you, bye. अंकल, आपने सोनू की बहकी हुई बातें तो सुनी होंगी। I am so proud of you, my son. सोनम कितनी खुशकिस्मत है जो तुम्हारे जैसा पति मिला। उसने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी दौलत, मेरी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओ हो, तुम एक सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ मेड इंसान बनना चाहते हो। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि सारी दौलत आदर्श को दे दूं, जायदाद उसको दे दूं और खुद रिटायर हो जाऊं। क्या कि मैंने जिंदगी पानी पियो बेटा, मैंने जिंदगी में इतना काम किया है कि अब मैं चाहता हूं अपने फार्म हाउस में चला जाऊं, वहां आलू उगाऊं, भिंडी उगाऊं, तुम लोगों को अपने हाथ से उगाई हुई ताजी ताजी सब्जी भेजूं। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान तुमको बेटा? कैसा लगा प्लान? कैसा लगा प्लान, बताओ ना, मुंह से बोलो ना बेटा। बहुत अच्छा, उत्तम, वेरी गुड, टू गुड। मैं आती जाती रहूंगी दीदी, फोन करती रहना दीदी। देखो ना, सोनू भी जा रही है। क्या, आप सबको छोड़कर जा रही है? इसके बिना घर सुना हो जाएगा ना? बिल्कुल सुना हो जाएगा। डैडी भी बेचारे अकेले रह जाएंगे यहाँ पर। बहुत अकेले हो जाएंगे। कितनी दुख की बात है ना? नहीं, इसमें दुख की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। सोनम अपने पति के घर जा रही है। हाय डैड। हाय। आप रो रहे हैं? You promised you would not cry. I'm not crying. You're crying. I'm not crying. See. Yes, you're crying. Okay, I'm crying. तू एक बात सुन, देख। ये बंगला, ये गाड़ियाँ, ये जायदाद सब मैंने तेरे लिए कमाया है। तू एक बार फिर से सोच ले कि तू यहाँ से ऐसे ही जाना चाहती है या मैं तेरे लिए। नहीं डैड, ये सब तो मेरा पति मेरे लिए फिर ला देगा। उनका तो सपना ही है to be like you. He wants to be a self-made man. हाँ, यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगूंगी जरूर।
मैंगो प्लीज गिव मी अ टाइट हग डैड विश मी लक ओह माय बेबी आई लव यू विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ बताइए लोग तो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं मेरी बीवी ने मेरे सर पे कुल्हाड़ी दे मारी है आज तो बुढ़ाऊ का आशीर्वाद भी लानत लग रहा है मुझे क्यों ढाई दिन के सुल्तान लुट गए तेरी रियासत बड़ा खुश लग रहा है खुशी की तो बात है खेल तो तूने बहुत अच्छा खेला लेकिन अफसोस लास्ट बॉल पे रन आउट हो गया और लगे हाथों मुझे ये सारी दौलत मिल गई कभी कभी एक पत्ता गलत गिर जाता है होता है कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे आउट हो जाता है बची बात इस दौलत की तो सोना जैसी प्यार करने वाली लड़की के सदके में मैं इसकी 10 गुना दौलत तू जैसे गरीब की झोली में डाल सकता हूं और हाँ जो चीज लेने के लिए मैं यहां आया था वो मैं लिए जा रहा हूं तेजपाल जी का नाम और एक बात मैं शहर में हारने के लिए नहीं दौलत कमाने के लिए आया हूं बहुत ही जल्द इस सड़क पर जो सबसे बड़ा बंगला होगा वो राज मल्होत्रा का होगा जिस बिल्डिंग में तुम्हारा ऑफिस है उसके टॉप फ्लोर के पर जो सबसे बड़ा ऑफिस होगा वो राज मल्होत्रा का होगा और जो सिग्नल पर सबसे बड़ी गाड़ी रुकेगी वो राज मल्होत्रा की होगी और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि राज मल्होत्रा मैं जानू 2 मिनट के लिए ठहरो मैं तुम्हारे स्वागत की तैयारी करके आता हूँ मैं भी आती हूँ ना डोंट हर्ट माय फीलिंग जानू शादी के बाद पहली बार घर आ रही हो ना अच्छा ओए मुंडू चाय भेजे अरे 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 ये क्या देख रहा हूँ मैं सुदामा की कुटिया में भगवान श्री कृष्ण पर्सनली पधारे हैं मजाक मत कर यार अरे मजाक तो आप कर रहे हैं तेजपाल के दामाद तीन तीन बंगलों के मालिक मेरी कुटिया में क्यों बंगलों में रेनोवेशन चल रहा है क्या रेनोवेशन नहीं रेवोल्यूशन चल रहा है मेरी पत्नी है ना खुदार टाइप की भोली वाली लड़की है कहती है कि पत्नी की शादी के बाद जगह होती है उसके पति के घर में अब पति बेघर है उसको कैसे बताऊं मैं यार अच्छा मतलब भाभी को भी साथ लेके आया है हाँ वो नीचे गाड़ी में बैठी है ना ऊपर तो क्या? आ नहीं सकती गाड़ी में बैठी हुई है अरे भाभी भाभी मैं सीढ़ी से उतर के नीचे आ रहा हूँ I swear this world is full of emotional fools, man. Hey, cycle वाले हाँ मेरी भाभी आई है. Hey, भाभी जी, welcome, welcome, welcome. आई आई है. Hey, छोटे जल्दी सवार उठा. नमस्ते. और छोटे, 2 समोसे, 2 ठंडे मिठाई कहीं सब लेके आ जा. घबराओ नहीं, मैं भी आपके साथ खाऊंगा. Come on, come on, come on. भाभी जी, ये telephone, television, fridge, gas, kitchen, bedroom, मंदिर, ये देवर आज से सिर्फ आपका है. Man, अब तू ये नहीं कहना कि तू घर छोड़ के प्लेटफॉर्म पर रहेगा ओके तू मेरी चिंता मत कर हमारा आशियाना तो बाहर बरामदे में है आज से इस घर में सिर्फ तेरी गृहस्थी शुरू होगी भाभी जी बेस्ट ऑफ लक नमस्ते एक काम कर नीचे जाके पहले सब्जी तो लेकर आ जा मास्टर आदमी है तू जा जा, जा। अब तो मास्टर भी है मास्टर बहुत अच्छे हैं मोहन भैया बहुत टॉप लेवल का आदमी है जानू 22 साल पराए घर में रहने के बाद आज अपने घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे हो गया समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया भाभी जी सॉरी टू डिस्टर्ब योर इंटीमेट रिलेशनशिप लेकिन डिनर में बैंगन चलेंगे ना चलेंगे 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 नाउ यू कैन कम क्लोजर आई एम गोइंग आउट आई एम गोइंग आउट